की हत्या के विरोध में मौन जुलूस निकाला गया। लटेरी की सकल दिगंबर जैन समाज ने कर्नाटक में हुई जैन आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या पर विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बांध कर मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस सुबह 9 बजे जैन धर्मशाला लटेरी से होते हुए कपड़ा बाजार जय स्तंभ चौक और मेन मार्केट से होते हुए जैन धर्मशाला में समापन हुआ, जिसमें पूरी समाज जुलूस में शामिल हुई, जिसमें हाथों में विरोध की तख्ती और बैनर लिए जुलूस में शामिल हुए, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे तक बंद रखे गए और शासकीय सेवा वालों ने छुट्टी रखी। धर्मशाला में सामूहिक सभा रखी गई, जिसमें मुनि श्री को श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और समाज की सभी सेवाभावी संस्थाओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरे भारत में बंद के तहत लटेरी समाज ने भी मुनि श्री की हत्या के विरोध में अपना समर्थन दिया। जैन धर्मशाला में मुनियों की सुरक्षा के विषय में चर्चा की गई और मुनि श्री के हत्यारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें पूरी जैन समाज में रोष व्याप्त है। इससे पहले जैन समाज ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि जल्द से जल्द हत्या में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए जैन समाज में रोष व्याप्त है, इसलिए मौन जुलूस निकाला गया। आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की जय। अब हम मंच वापस संचालक महोदय को सौंपते हैं, आगे की कार्यवाही। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।